आज ब्लॉग नंबर वन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग निकले हैं लोकल ड्राइव में। आज हम लोग मंदिर को थोड़ा सा दर्शन करने जाएंगे, तो मिलते हैं मंदिर पे, ठीक है। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सहायक थाना के पास। देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा शनिदेव के मंदिर। मेरे भैया हैं, बड़े भैया। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के नज़दीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो रही है। हैं शनिदेव के मंदिर के पास, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है गौरव, तो आप देख सकते हैं मैं आपको शनिदेव के मंदिर दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, आप शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का, ठीक है। इसमें आप हर कम, अभी जैसे लॉकडाउन है इसीलिए यहाँ पे पुजारी वगैरह जो है वो अभी नहीं है, वहाँ पे है पुजारी। ये देखिए, इस मंदिर के पुजारी हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह नहीं रहती है, ठीक है। चूँकि अभी लॉकडाउन है इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं रहती है। ये देखिए कटिहार रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये कटिहार का बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन मार्क में से आता है। यहाँ पे बहुत जल्द मैंने सुना है लिफ्ट भी लगने वाली है। लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण यहाँ पर काम रुक गया। ये देखिए, यहाँ पे बगल में थाना है, ये इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ से गाड़ी एंट्रेंस हो सकती है। अगर आप कभी भी कटिहार घूमने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ का एक मंदिर है दुर्गा मंदिर, दुर्गा स्थान, तो वहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं दुर्गा मंदिर के बाद, दुर्गा मंदिर के पास।
उधर जाइएगा फंसिएगा। देखिए ये दुर्गा मंदिर है जो कि अभी बंद हो चुकी है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा लेट यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपको भीतर का दर्शन नहीं करा सकता, तो बाहर से ही आपको यहाँ पे दर्शन करना होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आके आपको इसको पूरा मंदिर को ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। हाँ, आगे मंदिर है। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के नीचे से। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पानी पूरी की दुकान, मुझे दिखती है, कोशिश करते हैं जो कुछ मिले यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी फुचका खाने वाले हैं। कैसे दिया भैया फुचका? ये है 10 का 7। 10 का 6 है मेरे साथ। 10 का 6 है लेकिन ये हमें 7 खिलाने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके दुकान का जो नाम है वेज मोमो चाउमिन पिज़्ज़ा बर्गर नाम से है, और ये मंदिर के ठीक सामने अभी लगाते हैं, तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे खा सकते हैं। तो पहले मैं टेस्ट करूँगा कि ये कैसा बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो अब हम गौरव बताएगा कि इसका टेस्ट कैसा है, एक मैं भी टेस्ट करूंगा। देखिए ये मैं अभी खाने वाला हूँ। तो काफ़ी ठीक ठाक टेस्ट है यहाँ का। क्यों वो लोग जाते हैं सब जाते हैं विशाल में इंस्टाग्राम पर पोस्ट खोल के देखो गौर तो कैसे का ये बनाया है खिलाए ना। देखिए तो उसका काफी अच्छा टेस्ट लग रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं बाहर में स्ट्रीट फूड कुछ का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में तो कहीं जाने का मिला ही नहीं। आज फर्स्ट ब्लॉगिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ।
नहीं देखे, यहाँ से मंदिर भी दिखता है साहब। मंदिर के एंट्रेंस के गेट के ठीक बगल में मैं खा रहा हूँ। फिर कभी आएंगे मैं 3-4 लोग, तो मैं यहाँ पे कुछ का चैलेंज रखूँगा कि कौन कितना खा सकता है। तो ये देखिए कुछ का, आहा, अब देखिए मैं यहाँ पे सूखा कुछ का बनवाने के लिए बोला हूँ और भैया ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। दस एकड़ तो एक ही जगह बनाइएगा। गौर अब यहाँ पे नहीं खाएगा कहाँ से पानी। देखिए ये भैया बना रहे हैं। हाँ, आप जितने अच्छे से बना सकते हैं बना दीजिए। तो YouTube पे जा रहा है तो वीडियो बहुत सारे लोग आएंगे। तो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, अब हम इसको टेस्ट करें। वॉर्ड ऑफ काफ़ी मजे लेते हुए बस 30 रुपया है। काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा। तो अब हम और गौरव आगे बढ़ेंगे, फिर आगे का आपको रस दिखाते हैं। तो फिर दुर्गा माँ को प्रणाम करते हैं। जय दुर्गा माँ। तो चलते हैं। निकल चुके हैं। अभी हम हैं बसंत टॉकीज शहीद चौक के पास, बसंत टॉकीज के पास में है। ठीक है, तो मार्केट अब बंद होने लगी है, आप देख सकते हैं पीछे पूरा बंद है। तो अब हम गौरव और मैं घर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।